सर 2024 में तो इलेक्शन होगा, उसमें क्या बीजेपी को फायदा होगा? काफी सारे इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में। मैं फायदे और नुकसान की बात करने के लिए आया नहीं हूँ और मैं राजनीति में कोई फायदे नुकसान की बात नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि वॉट एवर पॉसिबल फॉर मी टू डू फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। फायदा नुकसान वोट देना ये बात कभी नहीं करना, जिसको देना है वो देगा, नहीं देना वो नहीं देगा। चुनाव एक महीना चलता है, बाद में विकास का काम है, भारत सबका है, हमको सबके लिए काम करना है। और प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, तो हम इसी प्रिंसिपल पे अपना काम करेंगे। दो क्वेश्चन है, पहला एक एक करके। राज्य जो बोल रहा है कि सेंट्रल के पास के उसको कुछ मिलना है जो मांग है, तो वो रुपया उसको नहीं मिल रहा है। आज ही मैंने 1600 करोड़ की घोषणा कर दी, 1000 करोड़ का CRF में पैसे की मंजूरी की। ठीक है, मैं आपको बाकी राजनीतिक बातें मुझे पूछिए मत, मैं जवाब नहीं दूंगा, पर मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, और इसलिए बंगाल के विकास में हम सब लोग, भारत सरकार, प्रधानमंत्री और मेरा डिपार्टमेंट पूरा सहयोग करेगा, और यहाँ कोई हम राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग जो जो भी काम करने लायक है वो काम में राज्य सरकार को पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि बंगाल हमारा देश है, यहाँ की जनता भी हमारी है और हम जनता के हैं, तो इसमें सबका विकास होना चाहिए। और रोड सब जगह जाता है, वो कौन MP है, कौन से पार्टी का है, MLA कौन से पार्टी का है, ये हमने कभी सोचा नहीं है। हम जो जो आवश्यक है वो काम सब जगह करेंगे, और इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होगी, ये विकास के आधार पर ये काम होंगे, यही मैं आपको विश्वास। लेकिन सर